hello everyone today we are going to see typecasting in java so let's first understand what is typecasting type conversion refers to the process of converting a value from one data type to another this is sometimes necessary when performing operations or assignment including different data types सो टाइप कास्टिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई डेटा का जो डेटा टाइप है अगर हमें चेंज करना है तो हम टाइप कास्टिंग करते हैं अगर हमें इंट वाले नंबर को फ्लोट में डालना है या फिर फ्लोट वाले नंबर को इंट में स्टोर करना है इसीलिए हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं ओके okay? टाइप कास्टिंग के भी आगे दो टाइप होते हैं पहला होता है इम्प्लीसिट देन होता है एक्सप्लीसिट हम इन दोनों को एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन दिस अकर्स ऑटोमेटिकली वेन अ वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर डेटा टाइप इज असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ लार्जर डेटा टाइप जैर परफॉर्म्स वाइडनिंग कन्वर्जन सेफली बिकॉज इट एंश्योर्स दैट नो इन्फॉर्मेशन लॉस ड्यूरिंग द कन्वर्जन सो इम्प्लीसिड टाइपकास्टिंग का यही यूज होता है कि जो छोटा डेटा टाइप है जिसकी जिसका रेंज छोटा है हम उसको बड़ी डेटा टाइप में सेव करते हैं जिसका रेंज ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंट की वै अगर इंट की वैल्यू हम डबल में सेव करेंगे तो डेटा एज इट इज़ ही वहाँ सेव हो जाएगा डेटा का लॉस नहीं होगा क्योंकि इंट की कैपेसिटी डबल से कम है तो लाइक like, डबल की कैपेसिटी ज़्यादा है तो इनकी सारी वैल्यू आराम से डबल में जा सकती है सो दिस इज़ इम्प्लिस इम्प्लिसिट कन्वर्शन हम लोग शॉर्ट का वैल्यू इंट में सेव कर सकते हैं तो अगेन डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट इन से छोटा है तो उसको एज इट इज़ हम वहां सेव कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ डेटा लॉस नहीं होता Uh, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे एक इंट नम इंट ये हमारा वेरिएबल का नाम है टेन हम लोग ने इसमें वैल्यू डाली टेन डबल इन डबल इज इक्वल टू नम इंट तो हमने नम डबल नाम का एक वेरिएबल बनाया है एंड हमने उसको नम इंट का वैल्यू पास कर दिया तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा तो इंट नम की वैल्यू है हंड्रेड सो हंड्रेड डबल में सेव हो जाएगा एंड देन हम प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट एल इंट डबल तो अगर इसका आउटपुट आएगा हंड्रेड हंड्रेड पॉइंट जीरो तो ये हंड्रेड जो यहाँ पे था ये एज इट इज ही यहाँ पे सेव हो गया क्योंकि डबल की कैपेसिटी इनसे ज्यादा है इसलिए आराम से हो गया सो so, जो डेटा टाइप इजिली कन्वर्ट हो सकता है दूसरे डेटा टाइप में विदाउट लूसिंग ऑफ डेटा दैट काइंड ऑफ टाइप कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लेसिड कन्वर्जन नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन This involves manually converting a value from one data type to another, typically when there is a possibility of data loss or when the conversion isn't automatic. सो so, इनप्लिसिट में हमने देखा था कि वहां पे बिल्कुल डेटा लॉस नहीं होता बट एक्स एक्सप्लीसिट में डेटा लॉस शायद हो सकता है क्योंकि हम उसको मैनुअली कन्वर्ट कर रहे हैं वो खुद नहीं हो रहा था लाइक like, जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम में बताया था कि इंट आराम से डबल में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि डबल के पास वो स्पेस है कि वो इंट को पूरा अपने पास रख पाए अगर यही अगर उल्टा करें तो डबल की वैल्यू अगर हमने इंट में सेव की तो क्योंकि डबल ज़्यादा रेंज है उसका स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है बट इंट का कम है तो अगर ने, हमने हमने अगर वो डबल की वैल्यू इंट में डाल दी तो इंट उतना शायद हैंडल ना कर पाए तो इसीलिए कभी कभी डेटा लॉस भी उस रीजन से हो सकता है एग्जाम्पल देखते हैं डबल नम डबल हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी तो ये हमारा नम डबल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी सेव किया है इंट नम इंट और इंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है नम डबल तो यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं यानी जो नम डबल था उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू इंट में सेव करें तो यानि हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी यहाँ पर चला जाएगा बट क्योंकि इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो को ही काउंट करता है वो डेसिमल वैल्यूज को नहीं लेता वो क्या करेगा हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी में से फिफ्टी को नहीं लेगा वो सिर्फ अपने अंदर हंड्रेड स्टोर करेगा तो हमें फिफ्टी का डेटा लॉस यहाँ पर हो गया है एंड इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा हंड्रेड यही होता है क्योंकि पहले जब हम इम्प्लीसिट में कर रहे थे तो डबल की कैपेसिटी इतनी थी कि वो रेंज को एज इट इज़ अपने अंदर स्टोर कर पाए बट इनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो डबल को अपने अंदर एज इट इज़ स्टोर कर पाए तो इसीलिए हमारा कभी कभी डेटा लॉस वहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे हमारा 50 का डेटा लॉस हो गया है पॉइंट फिफ्टी का तो ऐसे ही हम बड़े बड़े टाइप कन्वर्जन करने जाएंगे तो एक रेंज के बाद जब वैल्यू चली जाती है तो उतने का डेटा लॉस हो सकता है तो हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने से पहले बराबर ध्यान देना पड़ता है कि हमारा ज़्यादा डेटा लॉस ना हो सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल थैंक यू